दोस्तों देखिए ये जेसीबी है और मेरे खेत में एक आम का पेड़ था, बहुत पहले पुराना था आम, जो है बाद में वो ख़त्म हो गया था, तो उसको जो है मैं इसका खनवा रहा हूँ जो इसमें होता है, क्योंकि क्योंकि साथियों जो है बहुत ही दिक्कत हो रहा था इसमें, इस पर जो गोह थी, मूस था, बहुत सारे ऐसे जीव होते थे कि जो लग जाते थे तो धान को या गेहूं को बहुत नुकसान करते थे, तो मैं उसी को आज निकलवा रहा हूं। और ये जेसीबी है और 1500 से 1600 रुपए घंटे चलती है, हमारे गांव की है इसलिए मान लीजिए 1200 रुपए घंटे पे ये मैंने बुलाया है इनको। देखिए इतना गड्ढा खन चुकी है, लेकिन अभी भी देखिए पीछे से वो देखिए आगे इसका टायर पूरा उठ जा रहा है, लेकिन अभी ये कुतर कवर नहीं रहा है, उतर नहीं रहा है साथियों। देखिए प्रयास आगे से पूरा मुंडा देखिए उठा दिए है जेसीबी, उखड़ नहीं रहे हैं, क्या होता है आप लोग बने रहिए वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही लाइक शेयर जरूर करिएगा साथियों। और हमारा चैनल जो है खेती कृषि से जुड़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते रहते हैं हम लोग। साथ में देखिए बहुत ही विशाल आम का पेड़ था उस टाइम, ये दोस्तों बहुत पुराने समय में कलमी आम नहीं चला करते थे, कलम वाला सिस्टम नहीं था उस टाइम, तो ये सब बीजू वाले हैं। तो देखिए अभी आप लोगों को देख के अंदाज लग रहा होगा कि कितना विशाल है ये, देखिए इसकी जड़ें पूरा इधर तक फैली हुई थी इधर तक, तो अभी साइड साइड से इसको खोखला किया गया है। अब देखिए जैसे भी इस साइड आ रही है, क्योंकि अब ये वाली मिट्टी और वो वाली मिट्टी हटाई जाएगी उसके बाद। और देखिए भाई साहब ये जेसीबी है, इसकी पावर ताकत तो इसमें कूट कूट के भरी है, आइए देखते हैं क्या होता है अब, क्योंकि बहुत ही जेसीबी में ताकत बहुत होती है। इस चक्रोट पे साथियों आई है, अब पूरा उस पार से इस पार डाक गई है चक्रोट, जबकि ट्रैक्टर वैक्टर नहीं आ पाती हैं। काल के देखिए इधर भी तो कर भी देगी, और आप लोग बने रहिए वीडियो में, देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से जेसीबी जो है उखाड़ती है इस सिलकुट को। वीडियो में तो छोटा रहा हो लेकिन मैं जूम करूंगा तो देखिए इतना बड़ा है ये पूरा सिलकुट, और देखिए उधर पूरा उठ जा रही है आगे से, ये देखिए अगला चक्का उठ जा रहा है इसको उखाड़ने में, देखिए अरे वाह वाह देखो पूरा चला लोग उसको तोड़े कि ना हुई तोड़ देते, मस्त देखिए दोस्तों। और ये यार सगड़ी को तो नहीं है जा पाई लोग, आज चल जाइए देखिए दोस्तों इसकी जड़ें इतनी भयंकर हट जा, देखिए बहुत पुराना, लगभग मेरे दादा और दादी से भी पहले का ये कुत्तड़ था साथियों, बताते हैं लोग कि 150 साल से लगभग पहले काम था ये, बाद में ये ख़त्म हो गया, लगभग इसको ख़त्म हुए 30-40 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी देखिए ज़मीन में था लेकिन सड़ा नहीं था अभी तक, मतलब इसकी ताकत तो पूरी अनलिमिटेड है। बस करी हो नीचवा तो कुल होते रहती हो जी, हाँ बस करा रहा था बस, हाँ पाट दा के गढ़वा पाट दा। और देखिए इतना मतलब वाह दोस्तों पूरा इतना गड्ढा करना पड़ा, लेकिन अभी भी नीचे इसकी सोर है वो पूरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन अब क्योंकि खेती जमीन से मान लीजिए 1.5 फुट नहीं 1 फुट अधिक से अधिक करना था, तो अरे मतलब हट जा, अरे मतलब हट जाओ छोड़ा मतलब ए लगो, अरे घाव लगी मतलब हटा, अरे ज्यादा छोड़ा छोड़ा दादा मार होतना हुआ है इतना ही यहाँ मतलब माले कितना लकड़ी ले जी बा, अरे छोड़ा बड़ छोटा कर बा मस्त एकदम। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ वाली मिट्टी जो एकदम पास में चक्के की है तो नहीं उसको कर पा रहे हैं, तो हो सकता है घुमा के उस आगे वाले बोकट से लें, देखते हैं क्या करते हैं ये। हाँ मुझे लग रहा है कि वही आगे वाले बोकट से ही लेंगे, देखिए क्योंकि वो चौड़ा होता है तो
एक दफ़े में ही उसको पूरा मिट्टी यहाँ से वहाँ। आगे सबसे सब इसमें लोहा ही है, वैसा कुछ है भी नहीं। देखिए थोड़ा सा बैग जा रही है, ककुस हटा के से हट जा। वाह वाह वाह, भाई साहब बुलडोजर यही है, यही है बुलडोजर भाई साहब। अच्छे अच्छों को जो उखाड़ के फेंक देगी ये भाई साहब, इसका कोई तोड़ नहीं है। देखिए अब बैक से आ रही है, वहाँ से आएगी और ये वाली मिट्टी जो है समथर करत ये लगो तंजाब पजरवा करा जोन मिट्टी बची ना। हाई कुल मटिया है यार, ऐसे हो चाहे कोनवा डाल ला, हाई मटिया हो कोनवा डाल दिया, हट जा। हट जा हट जा, लगो लगो सटा, हो कोनवा डाल ला। देखिए उस कोने पे मेरा थोड़ा सा जैसे खेत खाल हो गया है, तो वहीं पे मैं मिट्टी इसको डलवा दे रहा हूँ, क्योंकि पानी लगता है तो वहाँ की जो फसल है नुकसान होती है। तो मैं थोड़ा सा ड्राइवर से बोल देता हूँ, आओ रे मन देबा। हाँ दे दा, देख के हाँ तो चकौआ से दाब के बैठा दा। ड्राइवर कह रहे हैं कि पानी पाएगी तो बैठेगी, हाँ वास्तव में बैठेगी। इसमें जेसीबी के चक्के चले जाएंगे तो समझ लीजिए कि ट्रैक्टर के भी कार चले जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से जो है मैं इसको इससे लगवा दे रहा हूँ। अब मैं दोस्तों इसको रुकवाऊँगा और वीडियो यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि भाई साहब ये बहुत पैसा लग जाएगा इसमें, तो मैं इसको रुकवाने जा रहा हूँ। तब तक मिलते हैं आप लोगों से फिर बाद में किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।